नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जिस तरह से पिछले दो महीने से जो है लगातार फार्मर्स जो हैं अपनी डिमांडों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि फार्मर लॉ को लेकर जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज जो है पूरे मुल्क में ये एहतजाज जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 8 तारीख को जो है पूरा भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, और इस सिलसिले में आज जम्मू में भी जो है कांग्रेस पार्टी की जानिब से यहाँ पे एहतजाज दर्ज करवाया जा रहा है, और तमाम फार्मर्स इस वक्त सरापा है, एहतजाज हैं, उनके समर्थन में जो है यानी कि उनकी सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर उतर आई है। लगातार विजुअल जो है इस वक्त के जम्मू के कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर के हैं। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के लीडरों के साथ साथ कारकुन भी जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, फार्मर्स की सपोर्ट में जो है यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। पिछले दो महीने से सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अब तक सरकार जो है उनकी और कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ किसान परेशान है, ये अंधाता है। इन्हीं के माध्यम जय जवान जय किसान जो नारा था, आज कहीं पे मोदी साहब का दौरा निकली सामने आ गई और लोग परेशान है। अंधाता परेशान होगा तो हमारे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी कमी आ सकती है। किसानों के भविष्य का सवाल है, किसानों को कॉर्पोरेटर के हाथ में सौंपा गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। फूड प्रोसेसिंग लोगों को फायदा यहाँ पहुँचाने के लिए, अंबानी अडानी को फायदा करने के लिए आज करोड़ों जो किसान है वो सड़कों पे यहाँ पे, हम इसकी निंदा करते हैं जो मोदी सरकार की नीति है, और मांग करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब इंटरवीन यहाँ पे करे, इस सरकार को नोटिस दे ताकि किसानों के साथ बातचीत करते हुए उसके जायज जो मांगे हैं उसके हक में फैसला करे। आगे के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ रद्दअमल रहेगा? स्टार्टिंग से ही जब से ये फार्म बिल यहाँ पे लाया उसी दिन से विरोध कर रही है, लेकिन आज सिंबॉलिक तौर पे उसका समर्थन करने के लिए कि कांग्रेस कमिटेड है कि कांग्रेस की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाए। नाजरीन, जिस तरह से पूरे मुल्क भर में जो है जाने की जो फार्मर्स हैं उनके हक की आवाज़ जो है वो उठ रही है, लेकिन इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी जो है कांग्रेस जो है वो काफ़ी सरगर्म में अमल देखने को मिल रही है। जो फार्मर्स के साथ वहां पे भेदभाव किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी ज़्यादा नाराज दिख रही है, और ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि फार्मर्स की जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाए, वरना कांग्रेस पार्टी का जो एहतजाज है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर में भी जो है अब कहीं ना कहीं किसानों के हक की आवाज़ जो है वो उठना शुरू हो गई है। साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।